ओके, स्वागत है आपका एक नई सी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक एप्स की वर्कआउट। अब ये एप्स की वर्कआउट क्यों नहीं है वो जान। ये वर्कआउट बहुत इजी और बहुत ही इफेक्टिव होने वाली उन लोगों के लिए जिनको बैक में प्रॉब्लम है, जिनकी शादी हो रखी है, अभी भी सी सेक्शन हुआ है, लगभग 5-6 महीने हो गए, वो कहां से स्टार्ट करें, उनके लिए ये वर्कआउट बेस्ट और इजी होने वाली। बट जरूरी बात यह है कि हमारे अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एनरोल करना चाहते हो और इनके तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो शादी से पहले या शादी के बाद भी, वो भी हमारे प्लान में 15% का ऑफ चल रहा है। सारा डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। और दिए गए स्क्रीन जो डिटेल्स आपको यहां फ्लैश हो रहा है इस पे व्हाट्सएप करो, टीम आपको रीच आउट करेगी और हम मिलके आपका ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। ये है केवल चार बेस्ट और इफेक्टिव वर्कआउट फॉर द लोअर बेली। ओके, शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वर्कआउट। जो हमारी फर्स्ट वर्कआउट होने वाली है दैट इज कॉल्ड सर्कल रोलिंग, और ये लगाने वाले हो मिनिमम 10 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट। फॉर्म टेक्निक और सेम टू सेम यही होनी चाहिए। ये थी हमारी फर्स्ट वर्कआउट। दूसरी वर्कआउट है टोटैप। ये कुछ फॉरवर्ड एंगल प्लस टोटैप कंबाइन करने वाले हो। 20 रेप्स ईच साइड, कितने सेट होंगे इसके भी आप लगाने वाले हो मिनिमम 3 सेट्स और 20 रेपिटेशन। ये थी हमारी दूसरी वर्कआउट। अब जो हमारी तीसरी वर्कआउट है वो होने वाली साइड लेग क्रंच। ये है 20 रेप्स ईच साइड और इसके भी आप लगाने वाले मिनिमम 3 सेट विद दिस फॉर्म एंड टेक्निक। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी वर्कआउट की ओर, दैट इज कॉल्ड द प्लैंक हिप रेज। ये है 20 रेप्स एंड 3 सेट। इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा टॉप 4 वर्कआउट फॉर दी एब्स। आप भी चाहते हो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल करना और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना, सारा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, चेकआउट करना मत भूलना।